Hello students, I hope you all are fine and doing well in your home. आज आपकी हिंदी की क्लास है और हिंदी सब्जेक्ट में हम सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या पढ़ेंगे वो मैं आपको बताती हूँ. हम लोग पढ़ेंगे आज स्टैंडिंग लाइन. स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन्स का मतलब क्या होता है? स्टैंडिंग लाइन होती है खड़ी हुई लाइन. जैसे हम लोग इंग्लिश, हिंदी सभी में पढ़ना और लिखना स्टार्ट करते हैं तो हम लोगों को क्या पढ़ना पड़ता है? सबसे पहले हिंदी में जैसे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स होते हैं ABCD, उसी तरह से हिंदी में अक्षर होते हैं आम का, अनार का, छोटा आ, बड़ा आ. तो इनको लिखना और पढ़ना कैसे है उनमें स्टैंडिंग लाइन हमारी मदद करती हैं. कुछ लाइंस होती हैं जिनकी मदद से हम इन अक्षरों को पढ़ना और लिखना सीखते हैं. तो इसमें फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे स्टैंडिंग लाइन. अब स्टैंडिंग लाइन क्या होती हैं मैं आपको बताती हूँ. स्टैंडिंग लाइन होती हैं, ये देखिए आपकी यहाँ पर फोर लाइन्स बनी हुई हैं. फोर लाइन्स में से जो स्टार्टिंग की थ्री लाइन्स हैं उसको हम ऐसे जॉइंट करते हुए, ये ऊपर डॉट है और जो थर्ड लाइन में डॉट है उसको जॉइन करते हुए ऐसे एक सीधी लाइन खींच देंगे, उसे स्टैंडिंग लाइन कहा जाता है. ये देखिए ऊपर जो फर्स्ट लाइन में डॉट है, फिर आपकी जो मिडल लाइन है और ये थर्ड वाली लाइन है. इसके थर्ड वाली लाइन के डॉट से फर्स्ट वाली लाइन के डॉट को हम दोनों को जॉइन कर देंगे तो क्या बन जाएगा? स्टैंडिंग लाइन. स्टैंडिंग लाइन का मतलब होता है खड़ी हुई लाइन. खड़ी हुई लाइन, अभी मैं आपको खड़ी हुई दिख रही हूँ, मैं किस पोजीशन में हूँ? स्टैंडिंग पोजीशन में. तो उसी को, इस पोजीशन को क्या कहा जाता है? स्टैंडिंग. उसी तरह से इस खड़ी हुई लाइन को क्या कहा जाएगा? स्टैंडिंग लाइन. तो आज का हमारा टॉपिक यही है, स्टैंडिंग लाइन. आपको इन सब को इस तरह से जॉइन करके एक स्टैंडिंग लाइन आपकी जो वर्कबुक है उसमें बनाना है. ये देखिए इस तरह से ये आप डॉट से डॉट मिलाकर स्टैंडिंग लाइन खींचेंगे इस तरह से. ये सभी स्टैंडिंग लाइन है. आपको इसी तरह से अपनी वर्कबुक में अपना वर्क करना है, यहाँ डॉट से डॉट मिलाकर स्टैंडिंग लाइन खींचना है. तो स्टूडेंट्स आपको स्टैंडिंग लाइन समझ में आ गई होंगी कि स्टैंडिंग लाइन क्या होती है. आपको आपकी वर्कबुक का और आपकी क्लास वर्क कॉपी का मैं फ़ोटो सेंड कर दूंगी व्हाट्सएप पे. आपकी वर्कबुक में डॉट्स बने हुए हैं और ये फोर लाइंस भी बनी हुई है, सिर्फ आपको डॉट से डॉट जॉइन करना है और ये लाइन खींचनी है. और आपकी क्लास वर्क कॉपी में आपको लाइन बनानी है और डॉट बनाने हैं और अपना वर्क कंप्लीट करना है. थैंक यू स्टूडेंट.